सभी को नमस्ते भाई। बहुत महीनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डीयू चाचा कहाँ हैं, कब वीडियोस बनाएंगे, क्या इस साल आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई डीयू चाचा इस साल आ गए हैं और एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट के साथ आए हैं जो हर बच्चे के लिए जानना जरूरी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीख कर रहे हैं 2019 के सेशन में। भाई इतने महीनों से कहा था चाचा भाई वीडियोस इसलिए नहीं बनाई जा रही थी क्योंकि चाचा सिर्फ ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अभी तक आपने जितनी अपडेट्स देखी थी ऑनलाइन वो सब सिर्फ र्यूमर बेस्ड थी, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑफिशियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पिछले साल यार हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इस साल क्यों नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली इतने डिले के बाद अपनी वेबसाइट पे एडमिशन 2019 का लिंक डाल दिया है। उन्होंने अभी भी ये नहीं बताया है कि फॉर्म्स की डेट क्या है, उन्होंने लिखा है फॉर्म्स विल बी रिलीजिंग सून। और यार मेरा विश्वास करना, आप लोगों को बहुत टाइम से रूमर्स फीड करे जा रहे हैं। पहले 15 अप्रैल किसी ने बोल दी थी फॉर्म्स रिलीज की डेट, फिर 24 मई 27 मई, और बीच में पता नहीं कितनी ही आपको डेट्स दी गई थी जो कि सब रूमर्स थी। मैं आपको अभी क्लैरिटी दे देता हूं बिल्कुल इस मैटर पे कि फॉर्म कब रिलीज होंगे। भाई फॉर्म रिलीज होने की डेट मैं आपको रियलिटी बताऊं किसी को नहीं पता। आप जितने इतने टाइम से यार रूमर्स सुन रहे हो, प्लीज इन रूमर्स पे मत बिलीव किया करो। जो रियल डेट आएगी जब फॉर्म रिलीज होंगे वो सबसे पहले आपको डीयू चाचा प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्रिंस एकेडमी को, आपको सबसे पहली अपडेट मिल जाएगी। बट रूमर्स के ऊपर चलना बंद कर दो, आपको पहले भी बहुत बड़ी धोखा हो चुका है। अब देखो जो मेजर बात इन्होंने डाली है, हमारे जो लिंक आया है वेबसाइट पे डीयू की, उन्होंने भाई दे दिए हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रिपेयर करने हैं आपको फॉर्म रिलीज होने से पहले। आप उन्होंने भाई आपको नसीहत दी है कि सब कुछ प्रिपेयर करके रख लो। मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, साथ में मैं बताऊंगा बड़ी अपडेट्स या बड़ी जो चीजें हैं नोट करने वाली जो आपको दिमाग में रखनी है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए, ताकि आप कोई गलती ना करो। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज भी देना चाहता हूँ। पहली गुड न्यूज ये है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा कंफर्म हो गया अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए 2019 के लिए, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और सेकंड गुड न्यूज ये है कि इस साल डीयू चाचा अपना मेंटरशिप प्रोग्राम दोबारा ला रहे हैं। वो क्या है भाई, पिछले साल हमने लगभग 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरा ग्राउंड लेवल तक हमने उन्हें पर्सनल लेवल पे हेल्प करी थी। इस साल वो चीज हम दोबारा ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसका फायदा उठा सकते हैं। और ये पॉसिबल हो पा रहा है ऑक्सफोर्ड कैप्स की वजह से, जो हमारे ऑफिशियल हाउसिंग पार्टनर है डीयू चाचा के इस साल की पूरी सीरीज के। तो चलो यार अब मैं आपको बताता हूँ क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, कैसे करने हैं, और सारी चीजें आप बहुत ध्यान से सुनना और जानना। तो देखो मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपको दिमाग में रखनी है इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए। पहली चीज, आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनके ओरिजिनल कॉपीज नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, जो भी मैं बताने वाला हूं, इनकी फोटोकॉपी चाहिए। आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करानी है। उस फोटोकॉपी पे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद वो आपको फोटोकॉपी जो है आपको स्कैन करानी है, अपने पीसी और फोन में रेडी रखनी है जब फॉर्म आएंगे उस फॉर्म को फिल करते हुए अपलोड करने के लिए। जो आपके ओरिजिनल कॉपीज है वो एडमिशन के टाइम यूज में आएंगी, आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी स्कैंड कॉपीज काम में आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये आपको प्रिपेयर करना कंपलसरी है फॉर्म फिल करने के लिए, इनके बिना आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। तो चलो यार अब मूव करते हैं सीधा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करा के रखना है वो आपको करा के रखने हैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आपको वो स्कैन करानी है। और जिनसे आप स्कैन कराओ उनसे कह देना कि 50 KB से ज्यादा उस फाइल का साइज नहीं होना चाहिए स्कैन हुई भी। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन कराना है वो आपको कराना है अपने सिग्नेचर, किसी प्लेन पेपर पे भाई साइन कर देना और उसको अपलोड करा देना, स्कैन करा देना। स्कैन का अगेन साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके।
तीसरा जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार कराना है, स्कैन कराना है, वो है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट। और मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूं, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं स्कैन करानी है आपको, उस मार्कशीट की फोटोकॉपी करानी है, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट लिखना है खाली जगह पे, उसके नीचे साइन करना है, उसको स्कैन कराना है। और इस स्कैन का साइज 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, स्कैन कराते हुए ये चीज क्लियरली बोल देना। चौथा जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो आपको करना है आपकी क्लास 12 की मार्कशीट। और अब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं इसके रिगार्डिंग। देखो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना क्लास 12 की मार्कशीट के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, जब आपका रिजल्ट आए उसे आप अपलोड कर सकते हो। इन केस आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके बोर्ड से मिल गई है तो अगेन यार वही जो प्रोसेस में इतनी देर से बोल रहा हूं करना है, फोटोकॉपी करानी है, सेल्फ अटेस्ट लिखना है, साइन करना है, स्कैन कराना है, 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन केस आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, आपके पास आपकी डिजिटल मार्कशीट है, तो आपको उसको प्रिंट कराना है, वही दोबारा सेल्फ अटेस्ट, स्कैन, 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइन करना भूलना मत। अब आपको जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराना है वो कराना है इफ यू आर एप्लीकेबल टू दिस, कि आप अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस या कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है, अगेन दोबारा स्कैन कराना है, आपको सेल्फ अटेस्ट लिख के और साइन करके। और हाँ, मैं आपको इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर आपके पास एससी एसटी ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है, तो आप इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप या आपकी रिसिप्ट की स्लिप, जहां पे भी आपने अप्लाई किया है वहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट या फिर एक रिसिप्ट मिली होगी, उस रिसिप्ट को आप अपलोड कर सकते हो स्कैन करा के। आपको ओरिजिनल होना अभी जरूरी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, तो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हो और ओरिजिनल जो है एडमिशन के टाइम सबमिट कर सकते हो। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, आपके जितने भी आप सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो, चाहे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, आपका नाम जो है और आपके पेरेंट्स का जो नाम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए 10th 12th और आपके सर्टिफिकेट के नेम्स के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th में नाम अलग है आपका या आपके पेरेंट्स का, 12th में अलग है और आपके सर्टिफिकेट में कुछ अलग लिखा हुआ है, ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ पंगा है इसको फटाफट से ठीक करा लेना और इसको आप ठीक कंसिस्टेंट रख के अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करा के फॉर्म आने पर अपलोड करना। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आपका सर्टिफिकेट जो है वो 31st मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का है वो नहीं वैलिड माना जाएगा। अगर आपको उससे पहले का है फटाफट से अप्लाई कर दो, आप फॉर्म फिल करते हुए अपनी रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपको आपका ओरिजिनल दोबारा मिल जाएगा। तो आपको करा के रखना है अपना 31st मार्च के बाद का 2019 के बाद का सर्टिफिकेट तैयार। दूसरी चीज, ओबीसी कैंडिडेट्स को ncbc.nic.in पे जाना है, जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है, उस पे जाके देखना है कि जो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट में उनकी कास्ट जो मेंशन है वो कास्ट ncbc.nic.in पे लिस्टेड है या नहीं है। अगर लिस्टेड है तो ही आपको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा, अगर लिस्टेड नहीं है तो आप एक जनरल कैंडिडेट ही माने जाओगे। अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो जैसे मैंने बताया था भाई, खुशखबरी है, आपको कोटा मिल रहा है इस साल। आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू कराना है वो अपने एरिया के SDM से कराना है सर्टिफिकेट, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31st मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए। तो अगर उससे पहले का है तो दोबारा बनवा लो, एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर देना, बट इसको फटाफट से अप्लाई करके तैयार करा लो। अगर आप ECA या स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अगेन अपने सर्टिफिकेट की कॉपी, सेल्फ अटेस्ट, साइन करके अपलोड करना है, अपनी स्कैन करा के रखना है और अपलोड करना होगा। अब देखो, ये चीज मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स अभी तो फोटो स्टेट जा रहे हैं, पर जब आपका एडमिशन होगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेके जाने हैं। एंड आपको ये चीज मैं क्लियर बोल दूं भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर, क्लीन और ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके किसी भी स्टेज पे ये पकड़ा गया कि आपके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है, कोई आपने फेक कर रखा है, तो भाई ये याद रखना, यहां पे YouTube चैनल से अब दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं होगा कि कोई भी फॉर्म की डेट बता दी, 15 अप्रैल बता दी, फिर कोई डेट बता दी, फिर कोई डेट बता दी और कोई किसी को पेनल्टी नहीं है। अगर आपने ये चीज करी, गलती करी, तो आपको बहुत तगड़ा आपके ऊपर केस होगा और आपको ड्यू में कभी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करना।
तो यार अब मैं आपको वीडियो एंड होते हुए बताना चाहता हूँ डीयू चाचा के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बता रहा था। ये प्रोग्राम पॉसिबल हो पा रहा है ऑक्सफोर्ड कैप्स की वजह से, एंड मैं बताता हूँ हम इस प्रोग्राम में आपको क्या सब प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में पूरी पर्सनल लेवल पे हेल्प करेंगे। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपने एडमिशन क्वेरीज और डाउट्स के लिए, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सेकेंडली आपको मैं पूरी कैरियर गाइडेंस दूंगा। मैं SRCC से ड्रॉप आउट रहा हूँ, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से 2018 में पास हुआ हूँ, एंड आई कन्वर्टेड ऑल द मेजर IIMs दिस ईयर। तो आई कैन हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग इफ यू नीड। तो कैरियर गाइडेंस में आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और अगर आप दिल्ली से बाहर के बच्चे हो तो हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होने में पूरी हेल्प, गाइडेंस एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड यार आई एम रियली सॉरी, मैं आपको एक चीज पहले इन्फॉर्म कर दूं, देखिए बहुत हजारों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वी कैन नॉट मेंटर ईच एंड एवरीवन पर्सनली। हम वीडियोस बना के सबकी हेल्प करेंगे, बट हमारा एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है जिसमें हम उन बच्चों को पिकअप करेंगे जो कि हम हेल्प कर सकते हैं, और उनको पिकअप करके हम उनको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में एड करेंगे। सो देयर विल बी अ स्मॉल शॉर्ट लिस्टिंग इन दिस प्रोसेस। तो भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए आप सबको डीयू चाचा की तरफ से सायोनारा।